हेलो बच्चों, देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अपना एलजेब्रा के बेसिक्स, ठीक है। उसमें मैंने तुम लोग को कौन से सिखाए थे? केवल दो फॉर्मूले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और उससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मैंने करवा दिए, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि उतने ही पॉसिबल है, अभी और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन मैंने कौन सा बताया? कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हम लोग को क्या है, टेंथ से थोड़ा सा ऊपर। आज भी ऐसे ही कुछ बेसिक फॉर्मूलों के बारे में जानेंगे जो हम लोगों ने बचपन से ही पढ़े हुए हैं, ठीक है। बस उनको कैसे रीअरेंज करते हैं और कैसे हम लोग उसका यूज आगे कर सकते हैं, ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चंस में कैसे यूज किया जा सकता है, ओके, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। जैसे बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है पर हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि इसका मीनिंग क्या है, तो आज वो सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और जानते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं? ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। सबको पता है a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है अपने सामने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी। सिमिलरली a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है अपने सामने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी। सिमिलरली हम लोगों ने एक फार्मूला और पढ़ के रखा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता था अपने सामने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स दो दो का प्रोडक्ट, ठीक है। अब कहोगे सर ये तो हमने पढ़ा हुआ था, तो देखो ये पढ़ा था, इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं और इनका यूज कैसे करना है। जैसे मान लो ये लिखा अपने पास, ठीक है, अब अगर इसको हम लोग इस साइड कर दें, क्या कर रहे हैं हम लोग, इस हिस्से को इस साइड कर रहे हैं, तो देखो किसकी वैल्यू मिलेगी हम लोगों को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मिलेगी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या वैल्यू मिलेगी हम लोगों को, अब अगर ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो अपने पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आएगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी। अब कहोगे सर हमने तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला दूसरा पढ़ा था, तो देखो वो भी सही है ये भी सही है, ठीक है। कुछ जगह पे वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पहले पढ़ा है, a प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और कुछ जगह पे कौन सा लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। सिमिलरली इसको हम लोग अगर इधर भेज दें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मिलेगा, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने सामने, a माइनस बी का होल क्यूब, अब ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3ab, और ब्रैकेट में कितना रहेगा अभी भी a माइनस बी, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। तो ये क्या किया मैंने, उसी फॉर्मूले को बस रीअरेंज कर दिया, ठीक है, क्या किया है, रीअरेंज किया है, इसको इधर भेजा है इसको इधर भेजा है। अब कहोगे सर इसमें क्या खास बात थी, तो देखो बच्चों इसमें खास बात क्या होती है, अगर ये स्क्वायर लगाए और अंदर तीन टर्म चार टर्म पांच टर्म कितने भी लिखे हैं, ठीक है, तो हम लोग सारे फॉर्मूलों को इसी हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मान लो हम लोगों के पास तीन टर्म लिखी, सॉरी चार टर्म लिखी, सिमिलरली देखो यहां पे क्या हुआ था, सबसे पहले तीनों के ऊपर स्क्वायर चढ़ा था, तो यहां पे कितने टर्म्स लिखे अपने सामने, चार दिख रहे हैं ना, चार टर्म लिखे, तो चारों के ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला ऑलवेज वर्क करता है, ठीक है, ऑलवेज वर्क करेगा तुम्हारे सामने, क्लियर हो गया। अब प्लस टू टाइम्स, देखो यहां पे क्या हुआ था, दो दो का प्रोडक्ट लिया था हम लोगों ने, तो यहां पे भी दो दो का प्रोडक्ट लेंगे, तो पहले ए का प्रोडक्ट बी से, फिर ए का सी से, फिर ए का डी से, ए का आगे वालों से, ठीक है, पहले इसका इससे लेंगे, फिर इसका इससे लेंगे, फिर इसका इससे लेंगे, फिर अब इसका इससे लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, प्लस बी सी प्लस बी डी, फिर सी का डी से, ठीक है। तो ऐसे ही करके तुम कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हो, कब, जब ये पावर कितनी लगी होगी, स्क्वायर, और अंदर कितने टर्म होंगे, दो तीन चार पांच, जितने भी टर्म तुम लेना चाहो उतने ले सकते हो, ठीक है, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, ओके। आता नहीं है, चार से ज्यादा यूज नहीं आएगा, हमेशा किसका यूज है, तीन का दो का, नहीं तो मैक्सिमम चार का, इससे ज्यादा यूज होता नहीं है, ओके। तो देखो यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है दो चार, उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो है, तो ए बी बी सी सी ए निकालना है। तो देखो बच्चों बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि अपने पास ये वाले फॉर्मूले का अगर हम लोग यूज करें तो एक सेकंड में इसका क्या आ जाएगा अपने पास आंसर, तो देख लेते कैसे आएगा आंसर इसका। देखो अपना फॉर्मूला क्या था,
अपना फार्मूला था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab bc प्लस सी। ठीक है, अब देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितने अपने सामने, जीरो, तो यहां पे जीरो रखेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, जीरो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, यहां पे क्या लिखा अपने सामने, प्लस टू टाइम्स, इसको निकालना है तो थोड़ी देर के लिए इसको मैं क्या मान ले रहा हूं, x। तो देखो यही चीज निकालनी है ना हम लोगों को, अगर यही चीज निकालनी है तो मैंने इसको क्या लेट कर लिया है, x, तो इसमें भी क्या डाल देंगे हम लोग, x। तो देखो 2x इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास, माइनस का 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने सामने, माइनस की 5। ठीक है, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई अपने सामने, माइनस का 5। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन किया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट देखते कौन सा क्वेश्चन है अपने सामने, बिल्कुल बेसिक है। अभी देखो मैंने तुम लोग को सिखाया है कि अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की बात करें तो अभी एक फॉर्मूला लिख के आए ना हम लोग, क्या लिख के आए, तो देखो ध्यान से पीछे वाली स्लाइड में लिखा है मैंने, बस क्या था वहां पे फॉर्मूला, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वाई। ठीक है, बिल्कुल पीछे यही फॉर्मूला लिख के आए थे, याद है ना, माइनस वाले को इधर भेजा था तो प्लस में हो गया था। ठीक है, तो देखो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी अपने सामने, दिखा देता हूं मैं पीछे फॉर्मूला कहां लिखा था हम लोगों ने, देख लो ये फॉर्मूला लिखा, यही फॉर्मूला लिखा है ना, बस a की जगह पे x मार दिया और b की जगह पे क्या कर दिया मैंने, y मार दिया। ठीक है, तो देखो x क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, x माइनस वाई इसकी वैल्यू कितनी अपने सामने, 4, 3, x इंटू वाई की वैल्यू कितनी देके रखी है अपने सामने, 21। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी देके रखी है, 4। तो अब हमें इसे क्या करना है, बस कैलकुलेट करना है और तो कुछ करना नहीं है, 4 का क्यूब 4 16 64। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो अगर तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 63। ठीक है, 63 इंटू 4, जितना इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 252। यहां पे कितना आ गया अपने पास, 252। अब इसको अगर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 613। ठीक है, ऐड कर लो इसको, यहां पे कितना हो जाएगा, 613। क्लियर है, तो इसका आंसर कितना आ गया अपने सामने, 316। बेसिक यूज था, ठीक है, ऐसा नहीं बहुत हाई लेवल का यूज किया, अभी मैंने कैसा यूज करवाया तुम लोगों से, बेसिक यूज करवाया। अब देखो आता है इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, वो दोनों क्या थी अपनी, बेसिक चीज हो गई बेसिक, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं कि आखिर अब ये क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है ना इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तो देखो होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको ओपन करके देखते हैं कि ओपन करने के बाद रिजल्ट क्या मिलता है हम लोगों को। तो देखो हम सबको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसका बी प्लस सी, सॉरी बी माइनस सी था ना, सी ए। अब देखो ध्यान से, ए स्क्वायर कितनी बार आ रहा है, दो बार, बी स्क्वायर कितनी बार आ रहा है, दो बार, सी स्क्वायर कितनी बार आ रहा है, दो बार, तो ये सारे ऐड हो जाएंगे ना। अब अगर ऐड हो जाएंगे तो इन सभी से क्या कॉमन हो जाएगा, टू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दिख रहा है ना, ए स्क्वायर यहां पे था, ए स्क्वायर यहां पे था, दो बार आ गया। ठीक है, सेम बी स्क्वायर दो बार आ रहा है, क्लियर ही दिख रहा है, एक ये रहा एक ये रहा, सी स्क्वायर भी आ गया। अब देखो इनके साथ तो दो दो आ गया और साथ में इनके पास पहले से ही दो दो है, तो माइनस कितना बचेगा, ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। अब ये जो टू है इसको हम लोग उस साइड भेजे दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ही ये टू इधर आएगा तो देखो हम लोग को एक रिजल्ट मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। एक रिजल्ट हम लोगों को ये मिल गया। ठीक है, कई लोगों ने इस फॉर्मूले को पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है, कई लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो तुम्हारे सामने मैंने ड्राइव कर दिया है कि इस चीज को हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। अब कहोगे सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखो इंपॉर्टेंट क्या होता है, अब वो मैं तुम लोग को यहां पर बताता हूं कि आखिर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। देखो बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो,
किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अच्छा भैया लिखा क्या है, अगर ये रियल नंबर है तो दो स्क्वायर स्क्वायर कभी भी करो किसी भी रियल नंबर का तो आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव। वाई स्क्वायर भी कैसा होता है, पॉजिटिव। और दो पॉजिटिव जीरो के बराबर तो नहीं हो सकते। जैसे ले लो दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर, कुछ भी कर लो जीरो नहीं आएगा। दो का स्क्वायर प्लस माइनस दो का स्क्वायर, यह भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये भी फोर हो जाता है और ये भी फोर हो जाता है। ये कितना हो गया, एट हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर दो स्क्वायर का सम जीरो के बराबर लिखा है तो ये जीरो तो कभी नहीं हो सकता है। बस ये जीरो कब हो सकता है, जब ये खुद यहां पे क्या आ जाए, जीरो। अब ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, तो दो जीरो मिला के क्या बनेगा हमारे सामने, जीरो। तो हम लोग यहां से क्या सीख सकते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो है और ये रियल नंबर है तो ये जीरो केवल और केवल तभी होगा जब x भी जीरो होगा और y भी क्या हो जाएगा अपने सामने, जीरो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x भी जीरो हो जाए और y भी जीरो हो जाए। अब ऐसे दो ही क्या, तीन नंबर हो चार नंबर हो तो भी हमारे लिए काम चलेगा। अब मान लो यहां पे ये लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि x भी जीरो होगा, y भी जीरो होगा और z भी क्या हो जाएगा, जीरो। फिर से वही, तीनों पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव मिला के जीरो कभी नहीं हो सकता। ये जीरो कब होगा, जब ये खुद में क्या हो जाएंगे, जीरो। और कोई तरीका है ही नहीं इसको जीरो करने का। ठीक है, ये रियल नंबर की कहानी है। हाँ, अगर रियल नंबर के अलावा कोई लेते, अलावा में कौन आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, वो अभी मैंने बताया नहीं है, वो इलेवेंथ में सीखोगे तुम लोग। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चेंज हो सकता है लेकिन रियल नंबर में चेंज नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब कहोगे सर रिजल्ट क्या था, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये वैल्यू जीरो के बराबर हो गई। क्या मान लेते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए कि ये वैल्यू जीरो के बराबर हो गई। अब अगर ये जीरो के बराबर है तो अपने सी बात है ये वाला हिस्सा भी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, अब फिर से वही, तीन स्क्वायर का सम जीरो के बराबर चल रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक्स वाला भी जीरो होगा, वाई वाला भी जीरो होगा, जेड वाला भी जीरो होगा। तो मतलब एक्स की जगह पे ये लिखा है तो ये वाला भी जीरो के बराबर। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ए इक्वल्स टू बी। इसको जीरो के बराबर करेंगे तो बी इक्वल्स टू सी, इसको जीरो के बराबर करेंगे तो सी इक्वल्स टू ए। तो मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि एक रिजल्ट हमारे पास क्या है कि अगर a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू a है तो ये वैल्यू किसके बराबर जा सकती है, जीरो के बराबर जा सकती है। मतलब इसी चीज से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि यहाँ पे a b c तीनों चीजें आपस में कैसी चल रही हैं, इक्वल, जिससे ये चीज क्या हो जाएगी हमारे सामने, जीरो। तो क्या रिजल्ट है हमारे सामने कि अगर एक स्क्वायर दो स्क्वायर तीन स्क्वायर और इन्हीं का प्रोडक्ट लिखा है और ये जीरो के बराबर है तो ये जीरो कब होगा, जब ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू क्या चलेगा, सी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, इस चीज को हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां पे, ये आइडेंटिटी तो तुम्हें याद ही रखना है, फॉर्मूला तो याद ही रखना पड़ता है, साथ में ये याद रखना कि तीन स्क्वायर का सम जीरो नहीं हो सकता है रियल नंबर में। वो जीरो तभी होगा जब वो तीनों खुद के खुद क्या हो जाए, जीरो। ठीक है, सेम यहां पे, अगर ये जीरो के बराबर है तो ये केवल और केवल तभी होगा जब ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू क्या चलेगा अपने सामने, सी, अदरवाइज ये जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, चलो आगे चलते। अब देखो उसी आइडेंटिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग कर सकते हैं। जैसे क्या लिखा है यहां पर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी इक्वल्स टू जीरो। तो हम लोगों को क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन पी क्यू आर। तो देखो रिलेशन बिटवीन पी क्यू आर निकालना है, बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई अपने लिए, क्योंकि देखो ये बिल्कुल वही फॉर्मूला लिखा है पीछे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू जीरो। और ये जीरो कब होता था, जब ए बी सी आपस में बराबर होते थे। तो ये जीरो कब होता है, जब ए बी सी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, ये देखो बिल्कुल वही आइडेंटिटी है जो एक स्लाइड पीछे हम लोगों ने देखी थी, दिख रहा है ना, बस ए की जगह पे पी है, बी की जगह पे क्यू है और सी की जगह पे क्या आ गया अपने सामने, आर। तो इस रिलेशन के लिए हम लोग के पास ये आ गया। ठीक है, ये था हमारा बेसिक सा क्वेश्चन। अब देखो आगे, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन पी क्यू आर। ठीक, देखते क्या हो सकता है। देखो ये क्या लिखा है बेटा, टू पी का होल स्क्वायर,
ये क्या लिखा है अपने सामने, 4q का होल स्क्वायर, ये लिखा है आर स्क्वायर। अब हम लोग अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। क्या लिखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए और बी का मतलब क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस बी सी, बी और सी का क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, माइनस ए सी। अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आएगी, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए। अब अगर ये वैल्यू इसके बराबर लिखी है तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ये तीनों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। चेक कर लेते हैं, 4 × 2 कितना हो गया 8, तो मतलब ये वैल्यू इसके बराबर लिखी है। ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये वैल्यू इसके बराबर लिखी, ये वैल्यू इसके बराबर लिखी है, मतलब ये अपना क्या लिखा है फॉर्मूला, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। तो यानी यहां से हमें क्या मिल गया अपना एक रिलेशन कि 2p इक्वल्स टू 4q इक्वल्स टू r भी हो सकता है, ठीक है, यही अपना क्या हो जाएगा यहां पे एक रिलेशन। समझ में आ गया, अगर इस टाइप के जीरो दिए हो और हमसे बोला कि ये रिलेशन निकालो तो पहला अटेम्प्ट हम लोग इसी चीज पे मारेंगे, ठीक है, कि अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसमें ए बी सी आपस में क्या हो जाता है बराबर, ठीक है, उसी के ऊपर है। अब किसका रिलेशन निकालना है हम लोगों को, एक्स वाई जेड का, ठीक है। तो चलो एक्स वाई जेड में रिलेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो कितना दिखेगा हम लोगों को, 15 yz, यहां पर आएगा तो y से y कैंसिल, क्या दिखेगा 5xz, z से z कैंसिल, क्या दिखेगा, ठीक है, क्लियर है ना, एक्स एक्स कैंसिल, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल हो गया तुम्हारे सामने। अब चलते हैं वापस इसी पे, x तो ठीक है, ये 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3y का स्क्वायर, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5z का स्क्वायर, क्लियर है ना, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ठीक। अब देखो फिर से भाई अपना फॉर्मूला बना लेते हैं फटाफट, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ध्यान देखो, ये इसका स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर ये हो गया, ये अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, और ये जीरो के बराबर आएगा, ठीक है। अब अगर ये जीरो के बराबर है तो हम लोग को पता ही है कि ये कब जीरो के बराबर हो सकता है, जब ये तीनों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, यानी x इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5z, ठीक है, और क्लियर दिख रहा है यही चीज यहां पे लिखी है, मतलब ये माइनस वाले सारे इधर भेज दो तो ये सीधे सीधे इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना, इसको इधर भेजेंगे तो देखो ये 3xy लिखा, 15 वाला लिखा है, ये 5 वाला लिखा है, ठीक है। तो देखो ये थे इसके बेसिक क्वेश्चन जिससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं अपना PQR ABC में एक छोटा सा रिलेशन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये फॉर्मूला तो तुम लोगों ने देखो बचपन से ही पढ़ा है कि a³ + b³ + c³ - 3abc किसके बराबर होता है, a+b+c ब्रैकेट में a² + b² + c² - ab - bc - ca के बराबर होता है, ठीक है। अब ये अगर होता है तो मान लो सपोज थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने इसको जीरो के बराबर कर दिया, अब अगर इसको जीरो के बराबर किया तो देखो दो चीजें पॉसिबल है कि अगर ये हिस्सा जीरो के बराबर है तो मतलब क्या है, ये वाला हिस्सा भी किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। अब दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो कब होता है, या तो ये वाला जीरो हो जाए तो मतलब एक चीज हमें क्या मिलेगी, a+b+c की जीरो के बराबर हो जाए, नहीं तो दूसरी चीज क्या मिलेगी, a² + c² - ab - bc - ca इक्वल्स टू जीरो हो जाए, यही हो सकता है ना। अगर ये जीरो के बराबर लिखा है हम लोगों ने, ये पूरी चीज जीरो के बराबर है तो ये भी जीरो के बराबर है, और ये जीरो के बराबर होने का मतलब कितना है, सीधे सीधे कि ये वाला जीरो हो जाए, नहीं तो ये जीरो हो जाए। चलो ये तो ठीक है, पर अभी हम लोग क्या पढ़ के आए कि ये अगर जीरो है तो ये कब होगा जीरो, जब ए बी सी आपस में क्या चल रहे होंगे, इक्वल, ये तभी जीरो होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं यहां पे मैंने क्या लिखा है, अगर ये चीज जीरो के बराबर है तो दो चीजें पॉसिबल है, या तो a+b+c जीरो के बराबर हो जाए, नहीं तो a बराबर b बराबर क्या चलेगा अपने सामने c, ठीक है।
तो यहां से हमें दो रिजल्ट मिल गए कि अगर ये हिस्सा जीरो के बराबर है तो या तो ये वाला मिलेगा नहीं तो ये वाला भी मिलेगा। ठीक है, तो ये बात को भी याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए। ठीक है, ये भी क्या है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट कि अगर ये हिस्सा जीरो के बराबर है तो दो रिजल्ट है। ओके, कई बच्चे इस फॉर्मूले को भूल जाते हैं तो उसको ध्यान रखना है हम लोगों को। चलो आगे देखते हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया होगा मैंने। ठीक है, तो चलो छोटे से एग्जाम्पल को पहले चेक करते हैं क्या लिखा है। एक्स प्लस फोर वाई प्लस टू जेड इक्वल्स टू ट्वेल्व, एक्स क्यूब प्लस सिक्सटी फोर वाई क्यूब प्लस एट जेड क्यूब इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। चलो देखो बच्चों, लास्ट में हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि हम लोगों को पता रहे कि उसका यूज कैसे होता है। ठीक है, आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो कब होता है, दो केस है, या तो ए बी सी आपस में बराबर हो गए, नहीं तो ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो बिल्कुल इसके जैसे ये वाला हिस्सा गिवन है। अब देखो इसमें अगर ए क्यूब की बात की जाए तो एक्स क्यूब हो गया, यानी a की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई, x। ठीक है, सेम ये देखो क्या लिखा है, अगर इसको देखा जाए तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4y का क्यूब बोल सकते हैं इसको, 4y का क्यूब, यानी b की वैल्यू देखे तो जो b की वैल्यू है वो अपने पास कितनी हो गई, 4y। ठीक है, ये क्या लिखा है अपने पास, ध्यान से देखो, 2z का क्यूब, यानी c की जो वैल्यू हो गई वो अपने सामने कितनी हो गई, 2z हो गई। ठीक है, यानी a b c की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब दो हिस्से थे यहां पे, पहला हिस्सा क्या था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब देखो a b c की अगर वैल्यू डाले यहां पे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, x प्लस फोर वाई प्लस टू जेड इक्वल्स टू जीरो। अब देखो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ही क्लियर मेंशन है कि इसकी वैल्यू 12 के बराबर है। ठीक है, यानी ये वाला हिस्सा तो हम लोग नहीं ले सकते। ठीक, अगर ये नहीं ले सकते तो इसके अलावा दूसरा हिस्सा कौन सा बचा है हमारे पास, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो यानी अगर a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है तो इसका मतलब क्या मिलेगा हम लोगों को, x इक्वल्स टू फोर वाई इक्वल्स टू टू जेड। ठीक है, तो यानी अगर रिलेशन की बात करता तो हमारा आंसर यही छूट गया था। ठीक है, लेकिन अभी उसने क्या बोला है, फाइंड एक्स वाई जेड। तो देखो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, k का यूज। अब अगर इससे k ले ले तो x की वैल्यू देखो अपने पास कितनी आ गई, k, y की वैल्यू कितनी आ गई अपने सामने, k बाई फोर, z की वैल्यू कितनी आ गई अपने सामने, k बाई टू। ठीक है, अब देखो ये तीनों k के बराबर है, तो अगर ये k है, ये k है, ये k है, तो यहां पे भी k डालेंगे, यहां पे भी k, यहां पे भी k, तो यानी थ्री के इक्वल्स टू कितना हो गया अपने सामने, ट्वेल्व, यानी k की वैल्यू कितनी होगी अपने सामने, 4। ठीक है, अब अगर k की वैल्यू 4 है तो यहां पे पुटअप कर देते, तो देखो जैसे ही तुम पुटअप करोगे तो x का आंसर कितना आ गया, 4, यहां पे रखेंगे तो ये कैंसिल हो गया, y का आंसर कितना आ गया अपने सामने, 1, यहां रखेंगे तो z वाले का आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा अपने सामने, 2। यानी अगर देखा जाए तो यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या क्या आने वाली थी, 4, 1, 2। ठीक है, तो दोनों रिलेशन का यूज करने से पहले यह देख लेना कि कौन सी कंडीशन को यह सेटिस्फाइज कर रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या निकाल सकते हैं हम लोग इसका आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, चेक कर सकते हो अपना, और आंसर निकालने के बाद क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हो। क्रॉस चेकिंग इन द सेंस ये वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर लो और चेक कर लो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चार रखोगे, चार चार, दो रखोगे चार, और चार 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 कितना हो जाता है अपने सामने, सीधे 12। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। ठीक, अब अगले के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थोड़ा और बेसिक के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे।